नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका श्रीवास्तव। मी टू अधूरा सच के हमारे इस एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया एक पल के लिए भी नहीं रुकती है, बस चलती ही रहती है। अगर दुनिया में टिके रहना है तो इंसान को सतत प्रयास करते रहना होगा। अब तक अविनाश दुनिया से मुंह छुपाकर अपने पुराने किए हुए कर्मों का रोना रो रहा था और उसे सिवाय मानसिक तनाव के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये साला कहाँ रह गया? भोसड़ी एक बार चला जाता है ना तो भैंचोद वापिस आने का नाम ही नहीं लेता भोसड़ी वाला। चूतिया का कहाँ रह गया था भोसड़ी के साले? तेरी तलाश में पुलिस बाहर घूम रही है। पुलिस यहाँ पर भी आ गई? हाँ, अब की बार ना गेहूं के साथ घुन भी पीसने वाला। मतलब चूतिया मैं गेहूं और तू घुन? तरकोफ साला भोसड़ी का। हाँ, तेरे चक्कर में ना इस बार मैं भी अंदर जाने वाला। मिला? पागल हूँ मैं, चूतिया हूँ जो पुलिस वाले से मिलने जाऊँगा। और लोडू प्रसाद चंदन, मैं पुलिस की नहीं, मैं सिम की बात कर रहा हूँ। सिम कार्ड? हाँ, सिम कार्ड ले आया। तो चूतिया इतना टाइम क्यों लग गया तेरे को आने में? अरे फेक आईडी से सिम कार्ड लेना था कोई आसान काम नहीं था। फटाफट इसको उसमें डाल और मेरी वीडियो बना। चल चल चल, ये वाली गांड कोटे एक बहुत सड़ी के। जल्दी फटाफट वीडियो बना मेरी। चल शुरू हो जा, एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अविनाश कुमार डायरेक्टर। आज जो भी मेरे बारे में मीडिया में बोला जा रहा है, मेरे को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मानता हूँ मुझसे कुछ गलतियाँ होंगी, उन गलतियों को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे आस्तीन में छुपे हुए सांप ही मुझे आज डसने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम किया जा रहा है। रजनी और उसकी कुछ फीमेल एक्टर मेरी तरफ दाना डाला और उसके बाद मुझसे दोस्ती की, जबकि मैं भी पहचान गया वो दोस्ती नहीं थी, मुझे फंसाने की एक साजिश थी जो लोग कर रहे थे। मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई और उन गलतियों को पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा मीडिया में मेरे बारे में कहा जा रहा है। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गन्ने में से रस निकालकर उसकी वेस्टेज को जलाकर वो लोग अपना घर रोशन करना चाहते हैं, अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं मुझे बदनाम करके। दोस्तों, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मुझे अपने देश के कानून पर पूरा विश्वास है। सही वक्त सही समय आने पर वहाँ पर सरेंडर कर दूँगा। धन्यवाद। कट। अबे कैसा बना है? अरे ये कोई तेरे फिल्म का शूट नहीं है, ये तेरा कन्फेशन है। अच्छा बना है। फटाफट इसको वायरल कर, अपलोड कर और इसको फटाफट तोड़ कर फेंक दे। तुम ये क्या हो गया? दोस्तों, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मुझे अपने देश के कानून पर पूरा विश्वास है। मामा, अविनाश अंकल कभी गलत नहीं होते। सही समय आने पर। हाँ, मां छोटू सही कह रहे हैं। अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गन्ने में से रस निकालकर उसकी वेस्टेज को जलाकर वो लोग अपना घर रोशन करना चाहते हैं, अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं मुझे बदनाम करके। यार ये अविनाश सही कह रहा है, ये गलत नहीं हो सकता है, इसे फंसाया जा रहा है। पूरा भरोसा है। तो क्या रजनी झूठ बोल रही? हो सकता है। कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई अविनाश ने, ये सारी फिल्में देखी मैंने, गलत नहीं हो सकता। फिल्म अभिनेत्री रजनी के बाद कई और नामी गिरामी महिलाओं ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपने साथ हुई बदसुलूकी के बारे में पूरी दुनिया को बताया है। इन महिलाओं को देश की जनता का समर्थन भी मिल रहा है। एक तरफ जामेटू का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ अविनाश कुमार ने पहली बार एक वीडियो क्लिप के जरिए अपनी सफाई पेश की है। नमस्कार दोस्तों,
मैं आपका अविनाश कुमार डायरेक्टर। मेरे आस्तीन में छुपे हुए सांपी मुझे आज डसने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम किया जा रहा है। पहले मुझे रजनी और उसकी कुछ फीमेल एक्टर मेरी तरफ दाना डाला और उसके बाद मुझसे दोस्ती की, जबकि मैं भी पहचान गया वो दोस्ती नहीं थी, मुझे फंसाने की एक साजिश थी जो लोग कर रहे थे। दोस्तों, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। मुझे अपने देश के कानून पर पूरा विश्वास है। सही वक्त सही समय आने पर मैं खुद को वहाँ पर सरेंडर कर दूँगा। धन्यवाद। मगर पुलिस अब तक उनके पास पहुँचने में नाकामयाब रही है और उनके घर वालों ने भी उनके बारे में ज़्यादा कुछ संतोषजनक जानकारी नहीं दी है। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको अपडेट्स देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक देखते रहिएगा। आप लोग कौन हो? Glad to see you after a long time. Yeah. बैठो। चाय कॉफी कुछ लाऊं? कुछ नहीं रजनी। अरे तुम लोग बुर्का पहन के क्यों आए हो? रजनी, तुमसे मिलने के लिए आना पड़ा। वैसे अच्छा मेंटेन किया है, आज भी बिल्कुल वैसी लग रही हो। नहीं ज्योति, मैंने अपने आप को बदल दिया है। पहले सब कुछ चुपचाप सहती आ रही थी, मगर अब नहीं। अब तीखा और टैग वाला फॉर्मूला अपना। रजनी, जो तुम कर रही हो ना, बहुत अच्छा कर रही हो, क्योंकि दुनिया को ना यही भाषा समझना है। उस कमी ने अविनाश के खिलाफ अभी तक बोली क्यों नहीं? देखो रजनी, 2 महीने में मेरी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह खोलने से कोई नया बवाल खड़ा हो जाए। और तुम ज्योति? रजनी, मेरा तो मीर चंदानी के साथ ठीक ठाक चल रहा है। कुछ बोलकर मैं उसके मन में कोई भी शक पैदा नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम तो पैसा ही होता है ना? रजनी, हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हम बैक डोर से देने के लिए तैयार हैं। मैं खुद के लिए सफिशिएंट हूँ दोस्त। वैसे भी तुम लोग क्या कर पाओगे? तुम्हें सजेशन तो दे ही सकते हैं ना। मुफ्त की सजेशन तो पूरी दुनिया देती है, मांगनी भी नहीं पड़ती। मगर पुलिस मुफ्त में अविनाश को पकड़ने वाली नहीं रजनी। तुम इंस्पेक्टर से बात करो, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। बताइए मैडम जी, कैसे याद किया मुझे? इंस्पेक्टर साहब, दिवाली आने वाली है, आपके बच्चे लोगों के लिए मिठाइयाँ लाएंगे। इतनी महंगी मिठाइयाँ मेरे बच्चों को खाने की आदत नहीं, और इस मिठाई की जितनी ज़रूरत हमें है तो सरकार हमें दे देगी। इसे संभाल कर रखिए, आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इंस्पेक्टर साहब, कोई मोहब्बत से अगर तोहफा दे तो उस मोहब्बत की तोहिन नहीं करते। इस बार तो मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ मैडम, लेकिन अगली बार से अगर आपने खाकी को खरीदने की कोशिश की तो रिश्वत देने के जुर्म में आपको हवालात के अंदर कर दूंगा। पहले मुझसे दोस्ती की, अपना उल्लू सीधा किया। अरे राजू, एक गोल्ड फ्लैग किया जा रहा है। मानता हूँ गलतियाँ हुई हैं मुझसे, और उन गलतियों को पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ जैसा मीडिया में क्या देख रहे हैं कहा जा रहा है। क्या लगता है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लगना क्या है, गन्ने में सरस सही है। पहले नाम ले रहे, पैसा कमा लिए, अब नाम कमा रहे। अपना घर रोशन करना चाहते हैं, अपने आप को बच जाएगा चाहते हैं, मुझे बदनाम। अरे ये तो बदनाम लोगों की गली है। कुछ पता चला?
नहीं सर, पहले तो कभी कभार सप्ताह में दो चार बार दिख भी जाते थे, अब जब से रजनीकांत हुई है तब से तो पता ही नहीं चल रहा है दिखी नहीं। अच्छा, दो चार बार दिखता था साला, इतनी दूर क्या करने आता था? पता नहीं, आदमी तो था अच्छा था। अच्छा, तुम अपना काम करो, कानून का नहीं। और सुनो, जैसे कुछ खबर हो मुझे फोन करना, ठीक है? अविनाश, तुझे तो बहुत बुखार है। इतने से बुखार से नहीं मरने वाला जुगल। अरे मरे तेरे दुश्मन। एक बार मुझे इस मुसीबत से निकलने दे, इन सबकी बैंड ना बजा दूँ। इतना गुस्सा मत कर, गुस्सा तेरे लिए ठीक नहीं है। टेंशन मत कर, मैं तेरे लिए काढ़ा बना के लाता हूँ। काजल का फोन। क्या जवाब दूँ इनको यार, ये लोग भी मेरी वजह से फंस गए हैं। भगवान, मेरी गलती से सजा मेरे परिवार को मत देना। मैं कामयाबी के नशे में तुमको भूल गया था। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। कहते हैं ना, जब इंसान के दुनिया में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता खुला होता है, और वो रास्ता होता है भगवान का। तो आइए देखते हैं कि भगवान अविनाश की कितनी मदद करता है। तब तक के लिए अलविदा।